Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. We are going to make uttapam in the kitchen. And uttapam or dosa, which is better, is the main. And if it is perfect, then your uttapam will be better. So, we need the perfect ratio for that. I am going to tell you. So, for that, we need the same size katori. और यहाँ पर हमने दो कटोरी चावल लिए हैं. ये जो आप रेगुलर यूज करते हो चावल वो आप ले सकते हो. दो कटोरी हमें चावल लेना है और हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हमें दाल चाहिए. ये उड़द दाल है, व्हाइट कलर की दाल. उड़द दाल हमें हाफ से थोड़ी सी ज्यादा लेनी है और 1/4 हमें कप चाहिए पोहे का. ये पोहा है जो हम रेगुलर खाने में यूज करते हैं और ये हमारे डोसा या उत्तपम में स्वाद बढ़ाता है और क्रिस्पीनेस लाता है. इसके लिए इसका ऐड करना हमें बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ हमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना चाहिए होगा. ये हम इनके साथ ही भिगोएंगे और इसके साथ मेथी दाना जो है वो फर्मेंटेशन में हमारी हेल्प करेगा. ये पोहा को हम अभी साइड में रखेंगे और इन चारों चीजों को हम अच्छे से धोकर, 3-4 पानी अच्छे से धोकर, ज्यादा पानी में भिगोकर रख देना है रात को. और इसे कम से कम हमें 7 से 8 घंटे भिगोना है. तो ये हमने अपने मिक्सचर को ज्यादा पानी में रात को अच्छे से धोकर भिगोकर रखा था और मॉर्निंग में ये हमारा कुछ इस तरीके से दाल और चावल जो है वो फूल कर रेडी हो जाएंगे. ये पानी को निकाल देंगे और 1-2 बार अच्छे से धोकर इसको बाद में ग्राइंड करेंगे. और ये हमारे दाल और चावल जो है वो कुछ इस तरीके से मॉर्निंग में फूल जाएंगे. हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसे एकदम फाइन पेस्ट में हमें ग्राइंड करना है. चावल और दाल को इस तरीके से ग्राइंड कर लेने हैं और ऐसे ही हमें स्मूथ पेस्ट बनानी है. इस तरीके से हमें स्मूथ पेस्ट इसकी बना लेनी है. तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी हो गया है. 7 से 8 घंटे तक हमने इसको पीसने के बाद ढककर अच्छे से रख दिया था और इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन जो है वो आ गई है. ये हमारा बहुत ही अच्छे से स्मूथ लोशन तैयार हो गया है. और उत्तपम बनाने के लिए और जो सामान चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ. ये हमने प्याज लिया है, छोटा छोटा इसको काट लिया है. और टमाटर लिए है, उसको भी हमें छोटा छोटा काट लेना है. साथ में कैप्सिकम ली है और इसके हमें छोटे छोटे पीस कर देने हैं. साथ में हमें हरा धनिया चाहिए होगा, थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए होगी और कड़ी पत्ता हमें फ्लेवर के लिए लिया है. इसको भी अगर आप छोटा छोटा काट कर बीच में डालोगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं उत्तपम बनाना. उत्तपम बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैटर के अंदर नमक डालना है. आपको जितना बैटर यूज करना है उतना बैटर लेकर उसमें नमक पहले ऐड करना है. ये हमने 1.5 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो. और अच्छे से मिक्स करेंगे. उत्तपम बनाने के लिए लोहे का तवा यूज कर रहे हैं. अभी गैस को हमने ऑन कर दिया है. इसको अभी गर्म करेंगे अच्छे से और ये पूरी तरह अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए हमारा तवा. और इसके साथ हमें जो वेजिटेबल्स डालनी है वो रेडी करके अपने पास ही रख लेनी. तो ये हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है. अभी हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके ऊपर डालकर टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ देंगे. टिश्यू पेपर से हमें अच्छे से ग्रीस कर देना है इसको और हल्का सा पानी लगाकर फिर इसको साफ करेंगे. एक तो ये प्रोसेस है जिससे कि आपका डोसा या आपका उत्तपम कभी चिपकेगा नहीं तवे के साथ, या फिर आप ऐसा, या फिर इस तरीके से आप हाफ प्याज लेकर उसको आप इसकी तरफ तवे के ऊपर अच्छे से
रगड़ोगे तो भी आपका उत्तपम जो है वो तवे के साथ नहीं चिपकेगा। मिक्सर डालेंगे और हल्का हल्का चला देंगे। ये बहुत पतला नहीं होता, इसका हमें थिक रखना है बेटर। तो ये देखिए एयर पॉकेट जो है, ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है इसका। और इसके साथ साथ हमें जितनी वेजिटेबल्स हैं वो डाल देनी है थोड़ी थोड़ी करके। ये हमने प्याज डाला, टमाटर डाला, कैप्सिकम डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाली है, धनिया पत्ता डाला है, थोड़ा सा टमाटर और डालेंगे और इसके साथ साथ हल्का सा ऑयल चारों तरफ डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें ऑयल नहीं लगता, हल्का हल्का ही ऑयल लगता है। तो ये देखिए, ये हमारे तवे के साथ थोड़ा भी चिपका नहीं है, ये देखिए एकदम नॉन स्टिक की तरह हमारा लोहे का तवा जो है वो बन गया है। आपको प्याज के साथ इसी तरीके से, ये हमने फ्लिप कर दिया है और हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको सेकेंगे। थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ हम डालेंगे। ये देखिए, ये दूसरी साइड से भी आराम से हमारा ये देखिए पक जाता है। फिर निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए तवे के ऊपर नमक डालकर इसको अच्छे से गर्म करोगे और फिर बाद में उसको साफ कर दोगे तो भी आपका डोसा या उत्तपम जो है वो आपके तवे के साथ चिपकेगा नहीं, अगर आपका तवा लोहे का है तो। उत्तपम बनाते हैं। ये हमने बैटर डाला है और इसको हल्का हल्का इस तरीके से फैला देना है। बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर फर्मेंट हुआ है, बहुत पतला नहीं करना है इसको। और इसके ऊपर हम सभी वेजिटेबल्स डालेंगे। कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ी मिर्ची और कड़ी पत्ता डालेंगे, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे चारों तरफ और थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। हल्का हल्का ऊपर प्रेस करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सेट हो जाएं इसके अंदर। थोड़ा पक जाने देंगे और पक जाने के बाद इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए थोड़ा भी तवे के साथ हमारा चिपका नहीं है और अभी हम फ्लिप किया और ये हमारा उत्तपम जो है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है पीछे से। ऐसे ही हमें आगे भी पका लेना है। हल्का हल्का ऑयल डालेंगे, फ्लिप करेंगे
ये देखिए ये हमारा उत्तपम बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है। तो ये टेस्टी और हेल्दी हमारा उत्तपम रेडी हो गया है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है, और ये जो बैटर है हमारा उसके अंदर ही हम वेजिटेबल्स डालेंगे। जैसे हमने ये टमाटर डाले, प्याज डाले, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता जो हमने छोटा छोटा काटा है वो ऐड कर देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको हमने बैटर के अंदर मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अभी हम इसका उत्तपम बनाएंगे। इस तरीके से इसको फैलाकर गोल करेंगे। ये हमने तवे के ऊपर बैटर डाल दिया है, अभी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे चारों तरफ और थोड़ा सा ऊपर। इसको अभी हम पकने देंगे और जब ये रेडी हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए थोड़ा भी हमारा तवे के साथ चिपकता नहीं है बैटर। अभी हम इसको फ्लिप करेंगे। तो इस तरीके से भी आप उत्तपम जो है वो इजीली बना सकते हो। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो इस मेथड से आप बनाकर देखिए, बहुत जल्द बनेंगे। वेजिटेबल्स वाले उत्तपम बनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप इस मेथड से ट्राई कीजिए तो इसका टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस तरीके से बनाना भी बहुत आसान है और टेस्ट भी वही आएगा। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा उत्तपम रेडी हो गया है और एकदम से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और ये हमारे उत्तपम बनकर रेडी हो गए हैं। अभी गैस को ऑफ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे उत्तपम की फाइनल लुक बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी उत्तपम हमारे बने हैं। और ये वाला उत्तपम जो है जिसमें हम वेजिटेबल्स अंदर डाली हैं और वो दोनों उत्तपम में हमने वेजिटेबल्स ऊपर रखी हैं, तो दोनों तरीके से टेस्ट वैसे ही रहता है, लेकिन अंदर अगर वेजिटेबल्स डालें तो वो आसान हो जाता है बनाना। इसलिए दोनों तरीके से आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। आप नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए
ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन. बाय बाय.